इस बाइक को लिए हुए मेरे को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में मैंने 2022 में इसके ऊपर लद्दाख किया है। 2022 में मैंने सच पास वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ रोडिंग इस बाइक पे मैंने की है। और जैसलमेर में मैंने राइड किया है, रेत के टिल्लों के ऊपर कैंपिंग किया है, रेत के टिल्लों के ऊपर इस बाइक को चढ़ाया हुआ है। और अभी हाल में ही मैं सिक्किम राइड करके आया हूँ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइड 6,500 किलोमीटर मैंने उस राइड पर कवर किए हैं। इधर जम्मू से बंगाल, बंगाल से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से सिक्किम, फिर सिक्किम से वापस जम्मू। और एक स्ट्रेच में मैंने 320 किलोमीटर पूरे किए हैं जमुना एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपसे पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मिट्टी लेने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, इससे मेरी मदद होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले भाई इसकी खूबियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइक में भाई खूबियाँ बहुत हैं, कमियाँ भी हैं बट खूबियाँ भी बहुत हैं। तो सबसे पहले कहते हैं अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, तो खूबियाँ पहले बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहला जो मेरे को प्राइम इसकी जो खूबी ना प्राइम वो मेरे को लगी है इसकी सिटिंग पोस्चर। अगर आप देखो अभी साइड स्टैंड के ऊपर खड़ी है बाइक, जो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखो सिटिंग पोस्चर देखिए आप, इसका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल इसका आरामदायक है। ठीक है, मैं आपको बाइक सीधी कर देता हूँ थोड़ा सा। सिटिंग पोस्चर में क्या है कि आपकी जो कमर है वो सीधी रहती है, हाथ आपके रिलैक्स पोजिशन में रहते हैं, ठीक है, और फुट पैक है वो आगे दिए हुए हैं। इसीलिए भाई मैं 6,500 किलोमीटर अगर मैं कर पाया ना तो इस सीटिंग पोस्चर की बदौलत ही मैं कर पाया। और लास्ट 2 दिन में मैंने 2,430 किलोमीटर निकाले, दो दिन में ऑफ ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है वो वीडियो। 2 दिन में 2,430 किलोमीटर सिलीगुड़ी टू जम्मू, ठीक है, तो वो इस पोस्चर की ही देन थी कि मैं वो इतने किलोमीटर्स निकाल सका। और दूसरा भी इसका जो प्लस पॉइंट है वो इसकी सिटिंग हाइट। सिटिंग हाइट का मैंने बताया कि जैसे मेरी अभी 6.5 फीट हाइट है, तो इसमें भाई 5 फीट वाला बंदा भी उसके लिए ये बाइक अच्छी है, 6 फीट वाला उसके लिए भी हाइट अच्छी है। वही कि इसके जो सिटिंग पोजीशन है इसमें अगर टांग लंबी होगी तो उसकी एडजस्ट हो जाएगी, लंबे आदमी की एडजस्ट हो जाएगी और छोटे आदमी की एडजस्ट हो जाएगी और आराम से लग जाएंगी। अगर लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो चलाना चाहती हैं तो उनके लिए ये बेहतर बाइक है। हाइट पोजीशन के मामले में इसके प्लस पॉइंट है। और नेक्स्ट इसका जो प्लस पॉइंट है भाई इसका जो लगेज है ना मिट्योर के ऊपर, लगेज बहुत अच्छे तरीके से कैरी होता है। मैं अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं कैंपिंग का सामान, कैंपिंग चेयर वगैरह, कुकिंग का सामान, बाकी और जो भी सामान टेबल वगैरह सारा कुछ लेके चलता हूँ, तो मैं लगेज बहुत ज़्यादा लेके चलता हूँ। तो मेरे भाई लगेज, टॉप बॉक्स, कैंपिंग चेयर सारा इसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक देखी होंगी, जैसे 310R मेरे मलकीत बाइक की है, हम सचपास गए थे तो उसका जो लगेज था वो भी मैंने अपनी बाइक के ऊपर लादा था, क्योंकि 310 अगर आपने देखी हो आप इमेजिन करो कि कैसे उसके ऊपर आप लगेज टांगोगे। अगर टांग भी दोगे तो ऐसा पीछे उनके पहाड़ बन जाता है ऐसे ऐसे। और बाइक बड़ी होता है, टांग भी दोगे ना स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, आप लगेज टांग भी दोगे तो वो ऐसे पहाड़ जैसा अनबैलेंस रहता है बाइक। ठीक है, बट मिट्योर के ऊपर आप अगर लगेज, मैं सारा बांध देता हूँ, दूसरों राइडर्स का भी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर उसके बाद भी बाइक बैलेंस रहती है। ठीक है, सैडल बैग्स में दोनों में आ जाता है। ठीक है, जो भी कपड़े या बर्तन है जो भी है दोनों साइड आ जाता है, पीछे टॉप बॉक्स में सामान आ जाता है, इधर मैं कैंपिंग चेयर वगैरह, मैट वगैरह ऊपर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लगेज है जो वो बड़ा अच्छा मैनेज रहता है और बाइक बैलेंस रहती है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि राइडिंग अगर आप करनी है, लॉन्ग राइड्स करनी है, तो लगेज को कैरी करना ही करना है। आप किसी ट्रक में थोड़ी लेके आओगे लगेज, अपनी बाइक पे लेके जाओगे। तो अगर आप ऐसी बाइक चाह रहे हो जो आप टूरिंग के लिए, तो ऐसी बाइक देखो जो अपनी लगेज फ्रेंडली भी हो। ठीक है, आप टूरिंग बाइक तो ले लोगे, अगर उसमें लगेज ही ढंग से नहीं आ रहा है तो भाई वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ कुछ ना कुछ उसमें बाइक में फिर कमी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मिट्योर 350 का। और नेक्स्ट जो इसका प्लस पॉइंट है वो है कि इसकी रिलायबल। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सिक्किम से वापस आ रहा था और मैं अकेला था, मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, लद्दाख में सोलो किया, सिक्किम में गया था तो सोलो गया था। और रात को जब मैं सिलीगुड़ी से वापस आ रहा था बिहार से, ठीक है, तो रात को मैं पहुंच गया, बिहार का बॉर्डर एरिया था, रिमोट एरिया था वो है, और उस टाइम मेरी अगर बाइक ख़राब हो जाए उस इलाके में, तो आप समझे आप राइडर के, सोलो राइडर के साथ, अगर कोई ग्रुप के साथ है चलो मदद के लिए दूसरा तीसरा बंदे हेल्प कर देंगे, अकेला बंदा है तो भाई मैं इसके ऊपर ही डिपेंड था। मैं पता था मेरी मशीन मेरे को धोखा नहीं देगी, तो एक आप रिलाई कर सकते हो, ऐसी मशीन है। 3 साल मैं इसको लेके गया हूँ सच पास, लद्दाख, सिक्किम, जैसलमेर,
तो भाई आप इस पर, मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके मैं इस पर ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, अगर आप इसको इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है, सर्विस किया है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो आपको ये बाइक धोखा नहीं देगी, रिलायबल बाइक है ये। और नेक्स्ट जो इसका प्लस पॉइंट है, मैं आपको मैं जो मानता हूँ भाई, ब्रांड वैल्यू। जैसे फोर व्हीलर्स में मारुति सुजुकी का अगर आप रीसेल वैल्यू मिलती है ना, तो जो टू व्हीलर्स में रॉयल इनफील्ड एक ब्रांड वैल्यू है, अगर आप आपको इसको बेचना चाहते हो तो आपको अच्छे पैसे दे के जाएगी, तो ये भी मैं इसका एक प्लस पॉइंट मानता हूँ। और भाई गुड माइलेज, एक 350 cc की बाइक होने के बावजूद, इतना लगेज कैरी करने के बावजूद, अगर आप 35 की माइलेज आपको हाईवे के ऊपर मिल रही है, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी माइलेज है, गुड माइलेज, और इसका एक प्लस पॉइंट है। और नेक्स्ट वही इसका जो प्लस पॉइंट है कि इसकी एसेसरीज, रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर 350 की एसेसरीज है, ये एवरीवेयर अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, बट हर जगह आपको मिल जाएगी, इसके सैडल से बैक कैरियर, टॉप बैग्स, पैनियर्स, नकल गार्ड, फॉग लाइट्स, जो इसके सेफ्टी कवर्स आते हैं, हीट शील्ड होंगे, जो भी है हर चीज़ आपको मिल जाएगी, इसके मीटर कवर्स के ऊपर जो आते हैं, मतलब हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है। और बड़ी बात है कि जब आप लद्दाख राइड जाते हो तो रॉयल इनफील्ड ने वहाँ कैंप भी लगाया है, जो मूवेबल, अभी मतलब जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उधर असिस्ट करने के लिए आपको रॉयल इनफील्ड ने कैंप लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो स्पेयर्स आपको मिल जाएंगे, आपको इसकी एसेसरी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये थे सारे अभी प्लस पॉइंट, और अभी बात करते हैं इसके कमियों की, इसके कॉन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो कॉन जो मेरे को 3 साल में लगा है, ठीक है, वो है इसका जो रियर सस्पेंशन, वो स्टिफ है, थोड़ा सा सख्त है, ठीक है, क्योंकि कई बार भाई सारे हर जगह आपको अच्छा रोड तो नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है कि खड्डों वाला रोड होता है, थोड़ा ख़राब रोड होता है, मिल जाता है, इंडिया में ख़राब रोड की कमी नहीं है। बाकी जो बाइक्स हैं उनका क्या होता है कि भाई जो फुट पैक्स होते हैं वो सीट के नीचे होते हैं, तो उससे क्या मदद होती है कि उसकी जो सेडलिंग आसानी से हो जाती है, बट इसके फुट पैक्स हैं ना ये आगे दिए हुए हैं इस तरह से हैं, तो यहाँ पे फिर आगे फुट पैक होने से क्या है कि इसकी जो सेडलिंग करना ना, चलती बाइक के ऊपर खड़े होना मुश्किल होता है, सेडलिंग इसमें नहीं होती है, तो आप जो खड्डे होते हैं आपको कमर को ही सहने पड़ते हैं। और इसका जो सस्पेंशन है ये थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है, तो ये इसका मैं ड्रॉबैक ही मानता हूँ। तो इसका सोल्यूशन एक है कि आप जो पहले जो इसके क्लासिक पुराने के जो सस्पेंशन आते थे वो उससे अगर रिप्लेस करते हो तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, बट सस्पेंशन इसका स्टिफ है, तो वो इसका है मैं एक ड्रॉबैक मानता हूँ। तो नेक्स्ट वो इसका जो ड्रॉबैक है, मेरे को लगता है कि इसका जो टॉप स्पीड है ना ये थोड़ी सी कम है, कम से कम ये 135 को टच करनी चाहिए थी, बट ये 120 पे आके ही अटक जाती है, ठीक है, क्योंकि ये कमी मैंने महसूस होती है कभी कभी राइडर को। मैं जब जमुना एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जा रहा था तो कई बंदे होते हैं जो आपका ना पीछा मक्खी की तरह चिपक जाते हैं ना, वो देखते हैं हाँ जी ये ब्लॉगिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो ना बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं आपके साथ। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे, कार वाला है तो आपके साथ चिपक जाएगा, जब आप स्लो कर रहे हैं तो स्लो कर रहा है वो भी, जब फास्ट कर रहे हैं तो फास्ट कर रहा है, तो ऐसे मौके पर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको स्ट्रेच खींच के उसको उसे पिंड छुड़ा लें अपना, बट ये 120 से ऊपर जाती नहीं है भाई, ठीक है, तो उस जगह उस टाइम थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर आपके पास 135-140 बाइक टच करती होती तो उससे आप है ना छूट सकते हो, तो वहाँ पे मैं लगता था थोड़ी सी इसके वन जो टॉप स्पीड है। बाकी मैं कहता हूँ कि 90 के ऊपर भी भाई जो प्रैक्टिकल स्पीड है, क्रूजिंग जो स्पीड प्रैक्टिकल इंडिया में है, 90 की स्पीड इनफ है, बट थोड़ी सी वो टॉप स्पीड की थोड़ी सी कमी मेरे को लगती है, ठीक है, कभी कभी वो मेरे को महसूस होती है, तो एक ड्रॉबैक मानता हूँ इसका। और नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है, वो सभी जो मीटियोर ओनर है उनको भी पता है जो मैं बताने वाला हूँ, इसकी जो हेडलाइट का थ्रू है वो बिल्कुल भाई पता ही नहीं लगता है। अगर आप हाईवे के ऊपर चल रहे हो, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आपकी हेडलाइट बंद है, तो कई बार मैं ऑन ऑफ करके देखता हूँ, उसका कोई पता ही नहीं लगता, ऑन करो बंद करो रोड के ऊपर वैसा ही दिखता है, कोई फ़र्क ही नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसकी वजह उसी वजह से मैंने फॉग लाइट्स लगा रखी हैं, तो काफ़ी मैंने हमने बेची भी हैं फॉग लाइट्स, तो HJG की फॉग लाइट्स है, तो ये लगाने से बाद थ्रो अच्छा हो जाता है। अगर आप हेडलाइट के भरोसे आप लॉन्ग राइड रात को जाते हो तो भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि आप ना जाओ, फॉग लाइट्स लगा लो, जहाँ अपनी हेडलाइट को इम्प्रूव कर लो, तो ये इसका ड्रॉबैक है। मेटियोर की हेडलाइट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। अभी ये नया मेटियोर आया है उसमें जो LED दी है इन्होंने वो उसका थ्रो थोड़ा सा इससे हेलोजन से बेटर है, बट जो पुराने वाले में वो ड्रॉबैक है इसका। और नेक्स्ट जो कमी है इसकी भाई, जो इसका नेविगेशन है ना, नेविगेशन बीच में मेटियोर ने बंद भी कर दिया था, अभी फिर उन्होंने चालू कर दिया, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ठीक है, मैंने 2-3 बार इसको यूज़ करने की कोशिश की है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा,
बट इसमें ना उतना क्लियर नहीं दिखता है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, अपडेट करके भी देखा मैंने, जितना मैं कि फ़ोन लगा लो, आप जैसे फ़ोन लगा लेता हूँ मैं तो मोबाइल होल्डर के ऊपर, तो जितना मोबाइल में क्लियर दिखता है ना सारा डिटेल से, उतनी डिटेल उसका जो डिस्प्ले छोटा है तो उतनी डिटेल उसमें नहीं शो होती है, पता नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं तो मेरी तो ये ड्रॉबैक लगता है, नेविगेशन उतना डिटेल से नहीं है भाई, ठीक है ना, तो आपके फ़ोन कॉल आते हैं फ़ोन में ना, वो डिस्प्ले होती है इसमें, तो ये एक मैं इसका ड्रॉबैक मानता हूँ। और नेक्स्ट जो ड्रॉबैक इसका मानता हूँ, इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस। भाई मैं सच पास जब गया था अपने लगेज वगैरह सारे के साथ गया था, ऑफ रोडिंग है सच पास आप जानते हैं, तो उसमें क्या है कि भाई इस बाइक पे क्रूजिंग नेचर होने के कारण इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा कम है, पर बार बार बाइक नीचे लगती है, जब भी बाइक लगती थी ना दिल में लगता था, अभी भी उसके मार्क्स है ना वो मेरे साइलेंसर है उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये मैं इसका एक ड्रॉबैक मानता हूँ। और नेक्स्ट जो ड्रॉबैक इस बाइक का मानता हूँ कि इसका जो रियर टायर है ये थोड़ा सा और मोटा किया जा सकता था, जो स्टॉक आता है वो थोड़ा पतला आता है 150 सेक्शन का आता है, तो अगर और मैंने जो डलवाया हुआ है देखे 170 सेक्शन का है टायर है, और 170 सेक्शन का टायर उस पर जचता है, ठीक है। और काफ़ी लोगों जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो, क्योंकि हमारे पास पुराने टायर्स आते हैं इम्पोर्टेड टायर्स आते हैं, तो इंडिया में बहुत ही कम मिलता है 170, आप ढूंढने जाओगे मटेरियल के लिए टायर तो आपको मिलेगा नहीं। ये जो मैंने डलवाया हुआ है ये मिशलिन का टायर है और इम्पोर्टेड टायर है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर मटेरियल वाले रॉयल इनफील्ड वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो टायर थोड़ा सा मोटा कर देना, क्योंकि क्रूजिंग नेचर की बाइक है तो थोड़ा सा फैट टायर है, थोड़ा लुक इसकी अच्छी लगती है, और रोड के ऊपर ब्रेकिंग और आपका जो कंट्रोल होता है और ज़्यादा बेहतर होता है, तो ये मैं एक ड्रॉबैक मानता हूँ इसका। तो ये था मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको ये कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसे न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।